नमस्कार। भारत पूरे विश्व में अनेकता में एकता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है, जैसे कि बाइबल, गीता, कुरान शरीफ आदि ग्रंथ इत्यादि। उसी तरह यदि हम भारतीयता की बात करें, भारतीयता भी एक धर्म है और इस धर्म का जो एक महाग्रंथ है वो है भारतीय संविधान। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, और यदि हम इस आत्मा को आत्मसात कर लें तो भारतीय संविधान पूरी तरह से अपने आप ही आत्मसात हो जाएगा। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव वर्मा जी, जो कि बालसमंद राजकीय महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही विशेष बात जो मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी वो ये कि भारतीय संविधान पूरी तरह से उन्हें कंठस्थ है। स्वागत है राजीव जी आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वागत है आपका, और हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, तो इसे किस तरह से समझा जा सकता है, कम शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि हमारे देश का संविधान अपने आप में इतना विशाल कंसेप्ट है कि इसे एक घंटा में, एक दिन में बताना बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए जो फायदे की बात वो है इसकी प्रस्तावना। जैसे कि कहा गया है कि प्रस्तावना हमारे देश के संविधान की आत्मा भी है, उसके पीछे की वजह भी यही है कि जिस प्रकार से आत्मा से हम किसी जीवन को समझ सकते हैं, उसी प्रकार से केवल प्रस्तावना से पूरे के पूरे संविधान का प्रतिबिंब हमारे सामने आ जाता है। यानी कि अगर आपने प्रस्तावना को जान लिया तो पूरा संविधान क्या कहना चाहता है, क्या इसका उद्देश्य है, कौन कौन सी बातें इसमें डाली गई हैं, वो सारी की सारी प्रस्तावना से हमें पता चल जाती है। तो प्रस्तावना का क्या मतलब है, इसे हम मतलब हमारे दर्शकों को अगर समझाना चाहें। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी ग्रंथ है उसकी शुरुआत में उस ग्रंथ में क्या कहा गया है, जो पंक्तियां लिखी होती है वो उसकी प्रस्तावना कहलाती है। एक तरह से हम इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। पर हमारे देश के संविधान के जो निर्माता थे वो चाहते थे प्रस्तावना अपने आप में पूरा पूरा जो हमारा संविधान है उसके दर्शन को समेटे हुए हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन शब्दों का समावेश किया, उन बातों को डाला जो सारे सारे संविधान का वर्णन हमारे सामने करे। यानी कि पूरे के पूरे संविधान का आप एक तरीके से दर्शन लेना चाहते हैं ना कि आखिरकार हमारे देश का संविधान कहना क्या चाहता है, तो उसके लिए आपके सामने प्रस्तावना होना अत्यंत आवश्यक है। आपने प्रस्तावना को जान लिया, प्रस्तावना को पढ़ लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये संविधान कहना क्या चाहता है, आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप प्रस्तावना के दर्शन करवाएं। जी बिल्कुल जी, संविधान के दर्शन करवाएं। जी देखिए क्या है कि हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़े संविधानों में से एक माना जाता है। इसकी प्रस्तावना जो है वो इस प्रकार से है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता उपलब्ध करवाने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हमारी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और ब्रैकेट में शुद्ध भाषा में है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमारे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना जो अपने आप में पूरे संविधान का दर्शन आपके सामने प्रस्तुत करती है। जी बिल्कुल, आपने इस प्रस्तावना में बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हम एक एक करके उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आपने बताया कि जो भारत का संविधान है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जी पर है, ये ऐसा है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि हमारा देश काफी समय तक गुलामी में रहा। पहले मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो सबसे जरूरी लोगों में इस भावना का विकास करना था कि वो पूर्णतः आजाद हो चुके हैं। पहले केवल आंतरिक मामलों में नहीं बल्कि बाहरी जो हमारे मामले थे ना उन सब में भी भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। भारत का आम जनमानस क्या चाहता है, यहाँ के लोगों की क्या इच्छा है, वो कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शासन को अपने हिसाब से चलाया, उससे पहले मुगलों ने अपने शासन को अपने हिसाब से चलाया। अब जरूरी था कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो शासनकर्ता है, वो सब प्रकार की नीतियों को अपने हिसाब से बनाने में सक्षम होने चाहिए। इस जो प्रक्रिया को कहा जाता है इसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। यानी कि हमारे देश की सरकार पर बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से किसी और का नियंत्रण नहीं है। हम हमारे देश के जो शासक है, जो हमारी जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो यहाँ पे जैसी चाहे वैसी नीतियां बना सकते हैं। बाहर का कोई विदेशी है, कोई देश है, वो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता। इस जो कंसेप्ट है इसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। यानी आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई भी देश या कोई अन्य व्यक्ति इसे किसी भी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता। तो सर हमारे देश के लिए एक चीज और कही जाती है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया,
तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक शब्द हम यूज करते हैं लोकतंत्र और हम गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, तो इनमें क्या अंतर है, इनका क्या अर्थ है, इसके बारे में आप हमें बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। वैसे जो डेफिनेशन आपने बताई कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे हमारे अब्राहम लिंकन जी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। अच्छा। लेकिन कहीं भी लोकतंत्र है, चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व किसी अन्य देश में हो, जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र कंसेप्ट ये है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लोग ही शासक चुनते हैं, तो यह है लोकतंत्र। अब जो खासतौर पर लोग हैं या विद्यार्थी है, वो कई बार इस बारे में संशय में पड़ जाते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में कोई फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, दोनों में जो मूल भावना है वो लोगों के शासन की तो है कि लोगों के द्वारा ही शासक चुना जाता है, यानी कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र वह प्रक्रिया जिसमें लोग ही अपना शासक चुनते हैं जो आगे जाके उन पर शासन करते हैं, पर गणतंत्र का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। गणतंत्र का मतलब है कि जो शासन का मुखिया है वह व्यक्ति किसी प्रकार के रक्त, वंश, परंपरा, जाति इत्यादारों के ऊपर नहीं चुना जाएगा, बल्कि वो लोगों के द्वारा ही चुना हुआ होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, ब्रिटेन में वहाँ पे राजशाही है कि राजा का बेटा राजा है, रानी की बेटी रानी है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति का बेटा आगे जाके राष्ट्रपति ही बनेगा, यानी हमारे देश में जो शासन का मुखिया है वो किसी प्रकार की परंपरा, रक्त, सत्ता इन आधारों के ऊपर नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है, इसे कहेंगे गणतंत्र। और जो समस्त शासन प्रक्रिया है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो कहलाती है लोकतंत्र। ठीक बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लोकतंत्र और गणतंत्र को सामान्यतः हम एक ही बात समझ लेते हैं। आपने हमारे दर्शकों के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सर, आपने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की भी बात की थी प्रस्तावना के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमारा देश काफी सालों तक शोषण का शिकार रहा था, यहाँ पे समाजवाद एक कंसेप्ट है जो क्या कहता है कि समाज जो हमारी शासन प्रक्रिया रहेगी इसमें समाज को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के बजाय संपूर्ण समाज को महत्व दिया जाएगा। खास तौर पर अगर इसे देखा जाए ना तो ये आर्थिक कंसेप्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है, यानी जो उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सारे के सारे समाज का नियंत्रण स्थापित होगा, सारा समाज उन चीजों को निश्चित करेगा, इसे कहते हैं समाजवाद की प्रक्रिया। यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, हालांकि समाजवाद शब्द मूलतः यूरोपियन कंट्रीज से लिया गया है, लेकिन वहां की कंट्रीज के समाजवाद में और हमारे देश के समाजवाद में भी थोड़ा सा फर्क है। वहां का समाजवाद कहता है कि लोगों का शासन स्थापित किया जाए, समाज का ज्यादा नियंत्रण हो, चाहे उसके लिए हिंसा करनी पड़े, पर हमारे यहाँ समाजवाद ऐसा नहीं है। यह है आपसी भाईचारे के ऊपर आधारित कि लोग आपस में मिलकर शासन प्रक्रिया को इस प्रकार से चलाएं कि समाज को ज्यादा महत्व मिले, इस प्रकार से, यह है समाजवाद। और जैसे कि आपने बताया धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है कि हमारा देश अपने आप में धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अपना कोई भी धर्म नहीं है। मैं मोस्टली विद्यार्थियों को ये बात कहता हूँ कि आज के दिन हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, उसकी वजह धर्म ही है। जैसे कि हमारे देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ में, वो धर्म की वजह से ही हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन। उस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। भारत के सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या आज के दिन पाकिस्तान ही है, जो धर्म के आधार पर निर्मित हुआ था। तो हमारे जो शासक थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, वो चाहते थे कि धर्म के आधार पर देश का आगे कभी कोई विभाजन ना हो, यहाँ के लोगों के अंदर किसी प्रकार की विभाजन की भावना ना हो, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी हमारे देश का जो शासन है इसका अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे विश्व के कई सारे देश है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है, कुछ एक देश है जो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, लेकिन हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, आप अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, अपनी जिस प्रकार की निष्ठा आपकी है आपके ऊपर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया सरकार के द्वारा, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष होना। तो सर, धर्मनिरपेक्षता की हमने बात की, समाजवाद की हमने बात की कि हमारे यहाँ सबको समान माना जाता है, कुल मिला के बात ये आती है। लेकिन जब हम न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय हो गया या राजनीतिक न्याय हो गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे संविधान का जो मूल दर्शन रहा है उसी में न्याय शब्द को जोड़ा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये शब्द देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे देश का जो आम जनमानस था इतने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण खुद को दबा हुआ और कुचला हुआ महसूस कर रहा था। ना लोगों को आर्थिक विकास के अवसर मिल रहे थे, समाज में असमानता थी, राजनीतिक रूप से एक सामान्य आदमी को कुछ भी नहीं समझा जाता था। पर हमारे संविधान के निर्माता चाहते थे कि जो आम जनमानस है, खास तौर पे आम जो भारतीय है, उसमें यह भावना रहे कि भाई आपको सब प्रकार के अधिकार हैं, आपके साथ कहीं भी अन्याय नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने 3 प्रकार के न्याय दिए हमारे संविधान में जो प्रस्तावना बताती है। जैसे कि सबसे पहला है सामाजिक न्याय। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो जाति है, चाहे वो आपकी भाषा है, आप अमीर हैं, गरीब हैं,
इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मूल दर्शन है हमारे देश के संविधान का और यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना भी बताती है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। इसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का कई बार लोग अर्थ ये ले लेते हैं कि सबके तनख्वाह बराबर कर दी जाए, सबके पास धन बराबर होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। इसके अलावा अगर सभी के साथ आर्थिक रूप से समान व्यवहार कर दिया जाएगा ना, तो देश में सभी लोग इस प्रकार के हो जाएंगे कि आर्थिक रूप से विकास तो हो ही नहीं पाएगा। पर इसका मतलब है कि आर्थिक विकास के अवसर सबके पास उपलब्ध होने चाहिए, कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, आप कोई नौकरी लेना चाहते हैं या कोई और कार्य करना चाहते हैं, तो हमारा शासन आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा आपके आर्थिक विकास से संबंध में। इसे कहते हैं आर्थिक न्याय। और सबसे लास्ट में न्याय में बताया गया है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि आम भारतीय जनमाता जनमत है, जो खासतौर पे हमारे देश के जो लोकतंत्र की विशेषता है वो यही है कि सबको समान रूप से अधिकार मिले, सब राजनीतिक रूप से जागरूक रहें, सबको मत देने का अधिकार मिले, उन्हें लगे कि हाँ भाई ये जो शासन बनाया है ना, हमने खुद ने बनाया है, हमारी भागीदारी है, हमारी वजह से ये शासन चल रहा है। इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय, कि राजनीतिक रूप से सब लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, सबको राजनीतिक समझ हो, सबको मत देने का अधिकार मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन न्याय के कंसेप्ट है जो हमारे संविधान की मूल भावना है और प्रस्तावना भी हमें यही बताती है। मतलब ये जो न्याय है ये हमारे को अधिकार देते हैं, हमारे अलग अलग तरह से हमारे अधिकार देते हैं। तो इसी में एक अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, विश्वास, उपासना, धर्म, इन सब की स्वतंत्रता से संबंधित भी कुछ अधिकार हैं, उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया न्याय के बारे में, उसी का एक कंसेप्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति, जैसे कि हमारे देश का संविधान हमारी आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था, प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई थी लेकिन कुछ समय पश्चात इसे लागू कर दिया गया। तो जो इसके निर्माता थे उनकी सोच ये थी कि विचार और अभिव्यक्ति, आम भारतीय जनमानस अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, चाहे आप मुगल काल में चले जाइए, चाहे आप अंग्रेजों के शासन काल में चले जाइए, आम व्यक्ति के पास ये अधिकार था ही नहीं कि वो बात बता सके जो उसके मन में है। डर लगता था कि हाँ भाई सत्ता आपको दबा देगी, आपको कुचल दिया जाएगा, आप अपने विचार प्रकट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे संविधान में ये शब्द जोड़े गए कि विचार और अभिव्यक्ति, आपके मन में जो विचार हैं, शासन व्यवस्था के प्रति जो आपके विचार हैं, आप चाहते हैं कि आपका शासन किस प्रकार का होना चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारा देश कैसे चले, हमारा समाज कैसे चले, उस बारे में जो आपके मन में जो विचार हैं आप वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में नाम आते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान महत्व दिया जाता है, धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे देश के लोग अपनी निष्ठा, आपकी जो उपासना है, आप जैसे पूजा पाठ करना चाहते हैं, जिस देवता को मानना चाहते हैं, जो धर्म आप अपनाना चाहते हैं, उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। शासन व्यवस्था, सरकार उस पर किसी प्रकार कोई नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगी। जी, तो सर आपने अभी जो भी बताया उसके बाद ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जो संविधान है उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर भी कुछ जोर दिया गया है, उसके बारे में आप हमने कुछ जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने गुलामी के काफी बड़े दौर को देखा था। यहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि आम भारतीय की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ना ही उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं। तो उन्होंने इन शब्दों का खास तौर पे हमारे देश के संविधान में समावेश करवाया कि प्रतिष्ठा, डिग्निटी, एक छोटे से स्तर का व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, आम किसान हो, वो भी समझे कि हाँ मेरा भी गौरव है, मेरी भी खुद की इज्जत है, मैं कुछ हूँ। इसे कहते हैं डिग्निटी। उसके बाद में दूसरा शब्द क्या कहा आपने, अवसर, अवसर की समानता, कि सबको समान अवसर है आगे बढ़ने के लिए, आप जैसे चाहें वैसे विकास कर सकते हैं, अपने जीवन को उन्नति के उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं। आपने हमारे देश की राजनीति में उदाहरण भी देखे होंगे कि सामान्य स्तर के जो व्यक्ति सामान्य स्तर से ऊपर उठे हैं, उच्चतम पदों तक पहुंचे हैं। हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं वो भी आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी हैं जी, हाँ जी, तो वो भी एक निम्न स्तर से उठ के आज उच्चतम स्तर तक पहुंचे हैं। वजह यही है कि सबको अवसर की समानता दी गई है, आप में योग्यता है, काबिलियत है, आप कुछ कर सकते हैं तो आप उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। हमारा संविधान इस बारे में आपको पूरी स्वतंत्रता देता है। ये शब्द तो आपने हमें बताया कि हमारे संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए, उन सब के बारे में हमने बहुत लंबी एक चर्चा की है। तो अधिकारों के साथ साथ एक कर्तव्यों की बात भी आती है, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको ये अधिकार तो हैं लेकिन उनका कर्तव्य क्या है अपने देश के प्रति, उसके बारे में बताएं। क्या है कि कहा भी गया कि अधिकार और कर्तव्य वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम भारतीय मतदाता हैं, भारतीय नागरिक हैं, केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे नहीं, तो शासन
व्यवस्था कुछ नहीं कर पाएगी, समाज का जो ढांचा है वो भी खराब हो जाएगा। हम केवल ये मांग करें, हमें ये अधिकार है, हमें ये अधिकार है, अधिकार एक तरीके की मांग है जो हम शासन से करते हैं, हमें ये दिया जाए, हमें ये दिया जाए, बदले में हम कुछ भी नहीं देंगे, तो शासन चल ही नहीं सकता, ना ही समाज चल सकता है। इसी बात की वजह से हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का निर्माण जहाँ किया, तो मौलिक कर्तव्यों का भी निर्माण किया। हमारे देश के संविधान में जहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वहाँ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। अगर आपके पास ये मौलिक अधिकार है कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, तो आपका यह मौलिक कर्तव्य भी है कि दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा आप करेंगे। दूसरा, अगर आप अधिकार मांगते हैं कि मुझे समानता मिले, तो आपका यह कर्तव्य भी है कि दूसरों के साथ आप समान व्यवहार करें। तो हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही नहीं, बल्कि पूरे संविधान में इस दर्शन को पूरी तरीके से लेके आया गया है कि आपका जो अधिकार है वो आपका कर्तव्य भी है, तभी बैलेंस बनके समाज में चलेगा और तभी समाज विकसित हो पाएगा। बिल्कुल, तो ये हमारे हुई कर्तव्यों की बात, हमने अपने अधिकारों के बारे में भी जाना। तो हमारे देश में जो हम कहते हैं कि अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो एकता अखंडता की बात अक्सर आती है, और मैंने शुरू में भी कहा कि एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है भारत। जी, जी। तो संविधान में इसके लिए कहाँ क्या जोर दिया गया है कि भारत देश की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहे, इसके लिए क्या किया गया? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो भी इन शब्दों पर जोर देती है कि एकता व अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। इसके पीछे भी वजह क्या कि हमारे देश का जब विभाजन हुआ ना, तो वो दौर अपने आप में बहुत खतरनाक दौर था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों परिवार बेघर हो गए, कितने सारे बच्चे थे जो अनाथ हो गए। उस व्यवस्था को देख के, उन हानियों को देख के, उस समय के जो हमारे शासक थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात को समझा कि जब तक देश के अंदर एकता नहीं होगी, इस प्रकार के संकटों से नहीं बचा जा सकता। इसके अलावा अंग्रेजी शासक थे, उससे पहले मुगल शासक थे, उन सभी ने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, चाहे वो फूट हिंदू मुस्लिम के मध्य डाली जाए, या फिर छोटी जाति बड़ी जाति में डाली जाए, अमीर गरीब में डाली जाए, पर फूट डालो, इनको किसी प्रकार से तोड़ दो ताकि देश का भी खराब हो जाए। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, वो नहीं चाहते थे कि आगे के जाके समय में कभी इस प्रकार की परिस्थितियां आए, तो दो शब्द जोड़े गए, एकता व अखंडता की रक्षा करना। यानी जो भी हमारी शासन प्रणाली होगी, जो हमारे शासक होंगे, उनके सामने कंसेप्ट दिया गया कि आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो इस प्रकार से आप बनाएंगे कि देश की एकता व अखंडता को कोई खतरा ना पहुंचे, इसकी रक्षा की जा सके। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो चाहे हम कितने विकास की कोशिशें कर लें, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लोगों में एकता नहीं है, तो विकास तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए दो शब्द जोड़े गए, एकता और अखंडता। बहुत प्यारी बात आपने बताई कि एकता और अखंडता अगर नहीं है, तो बाकी सभी कर्तव्य और अधिकार भी कह सकते हैं कि हम धरे के धरे ही रह जाएंगे, कि सरकार या भारत का संविधान कुछ भी करे। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और बहुत अच्छे अच्छे पहलुओं पे हमने चर्चा की। सर, एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो ये बीच का जो समय है ये क्यों रहा, मतलब ऐसा देरी क्यों हुई? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, अदरवाइज मोस्टली जैसे बच्चों में फोन आते हैं या किसी के फोन आते हैं, पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ कि संविधान बन के तो 26 नवंबर को तैयार हो गया, पर इसे लागू किया गया 26 जनवरी को, 2 महीने का डिस्टेंस क्यों रखा गया? इस बारे में बताऊंगा। हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो क्रांतिकारी संगठन काफी कोशिश कर रहे थे देश को आजाद करने की। उसी समय में है ना, लाहौर में रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था 26 जनवरी 1930 को। तो उस समय पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और देश के नेताओं ने मान लिया कि 26 जनवरी 1930 से हम अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे, कि हम लोग आजाद हो चुके हैं। तो 26 जनवरी का जो दिन था, वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था। पर अब हुआ क्या कि हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और हमारा संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे लोग इस बात को भूल ना जाए कि 26 जनवरी के दिन भी कोई ऐसी बात हुई थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने 2 महीने का थोड़ा डिले कर दिया कि संविधान को 2 महीने बाद लागू कर देंगे, ताकि जो ये कंसेप्ट है 26 जनवरी वाला, वो लोग ना भूल पाए। इसलिए चाहे संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, पर इसे 2 महीने बाद लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि 26 जनवरी 1930 को जो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था ना, लोग उस बात को ना भूलें, वो महत्व हमेशा बना रहे। मतलब बहुत दूरदर्शिता के साथ हमारे इस संविधान का निर्माण किया गया, और एक लंबे अंतराल के साथ, लंबी बैठकों के बाद ये ड्राफ्ट हमारे सामने बनकर आया। सर, हमारा समय बीतने लगा है, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे संविधान दिवस को लेकर? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा आम भारतीय मतदाता को, आम भारतीय जनमानस को, कि हम लोग उस देश में पैदा हुए हैं जो अपने आप में बहुत महान रहा है, वर्तमान में भी महानता के उच्चतम शिखर की तरफ जा रहा है।
इन्हीं बातों को याद करने के लिए, हमारे देश के गौरव को हम भूल ना जाएं, हम याद रखें कि हम लोग किन परिस्थितियों से निकल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किन हालातों को छोड़ के हम लोग अब धीरे धीरे तरक्की की ओर जा रहे हैं, इसी वजह से ये दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन इन दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब हम लोग इन बातों को समझें, आत्मसात करें इन बातों को कि भाई देखो हमारा इतिहास महान रहा है पर गलतियां भी थी, उन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, शासन सत्ता का सहयोग देना है। और जो शब्द हमने अभी आपसे चर्चा भी की, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, विकास, आपस में भाईचारा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, इन शब्दों को हम समझें, ये नहीं कि केवल परिचर्चा करके हम इनको भूल जाएं, इन शब्दों को हम आत्मसात करें अपने आप में, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारा देश थोड़ा आगे बढ़ पाएगा, तभी हम लोग थोड़ी उन्नति कर पाएंगे, जिन स्तरों पे हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे, और तभी हम गर्व के साथ सच्चे अर्थों में सर ऊंचा उठा के कह सकेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। क्या बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। आज की ये परिचर्चा वाकई ही बहुत बहुत शिक्षाप्रद रही। डॉक्टर राजीव वर्मा हमारे बीच में आए और उन्होंने संविधान से जुड़ी हुई बहुत सी बारीकियों को हमें बताया। मैं मानती हूँ कि, और मेरे दर्शक भी मानते होंगे कि आज के इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।